बरेली थाना भोजीपुरा में एक बार फिर खाकी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। सुभाष नाम के युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, जहां एक युवक को पुलिस कच्ची शराब बनाने के आरोप में भोजीपुरा थाने का सिपाही घर से लेकर आया है। उसकी थाने में पिटाई की जाती है, जिससे उसकी थाने में ही मौत हो जाती है। अभिमन्य घटना से पुलिस के कार्यकारिणी पर सवालियत निशान तो है ही, साथ ही ऐसे पुलिसकर्मियों पर से लोगों का विश्वास उठता नजर आ रहा है, क्योंकि एक थाने में बंद युवक को पुलिस ने इतना मारा, सुभाष की मौत हो गई। गरीब व्यक्ति को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर के मृतक के परिजनों का आरोप है कि देर रात पुलिस उसको घर से उठाकर ले गई। जब परिजन थाने पहुंचे तो उनको वहां से भगा दिया, लेकिन शाम को SRMS मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत की सूचना आई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सुभाष को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले को घुमा फिरा रही है, साथ ही पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में ही मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस अपना बचाव करते हुए युवक को हार्ट पेशेंट बता रही है, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है। SP ग्रामीण ने बताया, सुभाष हार्ट अटैक का मरीज था, उसका दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कैसे हमारे आदमी घर से उठा के ले गए सोते को। कौन ले गया था? रवि सिपाही लेके गया था, और दो जने थे, तो उसको बहुत ही मारा। हम लोग थाने पी गए, तो हम चाय भी लेके गए, हमारी चाय भी उसने फेंक दी। तो हमने ये इनको छोड़ दो, जो बोले कि नहीं छोड़े, तो हमारे सामने लोगों ने नाते घूसे से मारा, तो उसके पेट में लात लग गई। जे एक आदमी थाने ही में ही है, और इसको पकड़ के लाए तो जे खत्म हो गया थाने। हमने कि चालान इसका कर दो, तो चाला किस बेस पे पकड़ के ले गए थे? क्या पता केस कौन सा केस पे लेगा, हमारा आदमी कुछ नहीं करता है, ना वारंट है ना कुछ नहीं है। तो जो हमने की चालान कर दो, जो बोले चालान नहीं, हम ब्लॉक भी बैठे थे, चालान करें हम जमानत करवा लेंगे जाके। इनने नहीं छोड़ा, जब यहाँ पर आए उनकी लहस लेके आए मेडिकल पर। तो आपको सूचना किसने दी? गांव वालों ने दी है मुझे। क्या? कि अब आपका खत्म हो गया पति। अच्छा, अब आप क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं, हमारा जैसा आदमी घर से ले गया ऐसे हमारा आदमी ले आके दे दें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी लड़की जवान है, हम कहाँ से शादी करेंगे? हमारा जो कुछ था वही था, और कुछ नहीं। हमारा नहीं, लड़का हमारा छोटा लड़का है, छोटे बच्चे, बेटी यही जवान है। क्या बच्चे हैं अपने? दो लड़के, एक लड़की है, ये लड़की है। थाना भोजीपुरा के ग्राम कंचनपुर की रहने वाली श्रीमती गंगा देवी ने अपने परिजनों के साथ थाना भोजीपुरा पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें बताया है कि उनके पति श्री सुभाष जो TB और दिल के मरीज थे, और उनका इलाज पिछले कई दिनों से चल रहा था। कल उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उनको हमने अस्पताल से दवा भी दिलवाई थी। आज उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने अपने पति के एक दोस्त के साथ में उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु जो है बीमारी के कारण हुई है, और इसमें किसी प्रकार का किसी का दोष नहीं है। अगर किसी ने किसी प्रकार की अफवाह फैलाई हो तो उसको खारिज किया जाए। बावजूद इसके उनके पति के शव का पंचायतनामा भरा गया है, और मृत्यु के वास्तविक कारणों की जानकारी के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।